हाय, आपका जूम सेशन में स्वागत है देखिए मैं जानती हूँ कि जो जो लोग हमें जूम पे कनेक्ट नहीं हो पाए हैं वो सब लोग हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो फिर जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, वो एंड में मतलब ये सेशन खत्म होने के एंड में आप हमें ऑफकोर्स इस सेशन के दौरान लिख भी सकते हैं और एंड में जो कॉमन क्वेश्चन होंगे उसको हम आंसर करेंगे इसका मतलब ये नहीं है कि जो अनकॉमन है या जो वैलिड क्वेश्चन है जो अच्छे क्वेश्चन है उसको हम आंसर नहीं करेंगे ये एक जो सेशन है उसकी भी कोई लिमिटेशन है टाइम की तो फिर आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको हम लेंगे पर फिर थोड़े के दिन के बाद मतलब एक या दो दिन के बाद उसको हम लोग आंसर कर देंगे तो देखिए आपका ये जो सेशन है जूम का ये किस लिए था कैमरा सेटिंग्स के ऊपर कैसे आप कैमरा सेटिंग्स कोई भी टाइम पे कैसे भी कर सकते हो राइट ठीक है एंड साथ ही साथ आप ये भी जानते हो कि आपका ये जो सेशन है वो एक डेमो लेक्चर है डेमो सेशन है कि भाई यार ट्रेलर होगी ऐसी पहले पिक्चर दिखाओ तो पिक्चर का जो ट्रेलर है ना वो अभी आप देख रहे हो हमारा जो कोर्स है वो फर्स्ट ऑफ जुलाई से स्टार्ट हो रहा है आई होप आप सबको पता हो तो ये जो फर्स्ट ऑफ जुलाई से जो कोर्स स्टार्ट हो रहा है वो एक्चुअली जूम पे कैसे होगा उसका ये ट्रेलर है वो एग्जैक्टली exactly ऐसे ही दिखेगा जो अभी दिख रहा है अगर आपको कोर्स में एनरोल करना है या उस क्लासेस के बारे में जानकारी चाहिए आप प्लीज़ इस नंबर पे डायल कीजिए आपको यहाँ से जानकारी मिल जाएगी एंड इंस्टाग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है और हम इसको बहुत ही सीरियसली ले रहे हैं और बहुत ही एक्टिव है इंस्टाग्राम पे तो प्लीज़ फोटोग्राफी अंडर्स को एजुकेटर्स को इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए ताकि हम आपको वहाँ पर भी कनेक्ट कर पाए और बहुत सारा कॉन्टेंट जैसे यूट्यूब पर अपलोड करते हैं वैसे ही हम इंस्टाग्राम पर अपलोड करते हैं तो वो भी आपको कॉन्टेंट मिल सके तो देखिए अभी हम चलते हैं जो हमारा सेशन है उसकी तरफ हमारा जो ये सेशन है ना यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप जो है कैमरा सेटिंग्स सीखना चाहते हो पर मेरा ये क्वेश्चन है कि क्यों सीखना चाहते हो हम जो फ़ोन कैमरा होते हैं जो आईफोन होता है या नॉर्मल जो फ़ोन होता है उससे भी तो फोटोग्राफी करते हैं अच्छा खासा काम हो जाता है अपना कोई प्रॉब्लम नहीं है पर ना यही होता है मन में यार जो सोचा था ना कि जो वो 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 ये फोटोग्राफर को देखो क्या फोटो खींच रहा है ऐसा मेरा नहीं आ रहा है तो फिर इंसान क्या करता है शायद मैं डी एस एल आर लेता हूँ मेरे को ना क्वालिटी एकदम मस्त मिलेगा वो डी एस एल आर लेके आता है फिर भी ना अरे वो वो अरे क्या क्वालिटी है ऐसा मेरे में नहीं आ रहा है मे भी उसका कैमरा ना बहुत महंगा होगा अरे महंगा कैमरा लेने के बाद भी ऐसा लगता है यार वो ऐसा नहीं आया जैसा उसका आया था सेटिंग वो कैमरा में सेटिंग क्या कर रहा है फ़ोन में फोन में भी ना अगर वो प्रोफेशनल फोटोग्राफर फोटो खींचे ना तो मेरे से ज़्यादा आता है ऐसा तो कैसे कर रहा है देखो जो फ़ोन की फोटोग्राफी होती है ना उसमें वैसे भी सेटिंग्स बहुत कम होते हैं काफ़ी हद तक ऑटोमेटिक चीज़ें होती है भले प्रो मोड भी क्यों ना हो पर जो डी एस एल आर होता है उसकी जो कैमरा सेटिंग्स अगर आप जान जाओ जो ये सेशन में आप जान जाओगे तो फिर आपका काम हो जाएगा एकदम ही प्रोफेशनल लेवल पे प्रोफेशनल इंसान वो होता है जिसको जो उसने सोचा उसने जो क्रिएटिविटी सोची उसको एग्जैक्टली exactly वैसे ही उतारने की उसकी में क्षमता होती है कि वो वैसे ही उस कैप्चर उस इमेज को कैप्चर कर सकता है ऐसे की उसमें पावर होता है उसका उतना अनुभव होता है ठीक है तो इसके लिए आज हम कैमरा सेटिंग सीखेंगे कोई भी डी ले लो अगर आप सबसे बेसिक डीएसएलआर लोगे सबसे महंगा डी लोगे जो भी ले लो सभी के ऊपर ना एक ऑटो मोड होता है जो ए के नाम से या ग्रीन कलर के बॉक्स के हिसाब से होगा ये जो ऑटो मोड होता है अगर उसको आप ऑन करके फोटो खींचोगे तो वाह भाई वाह आप तो कैमरा एक ही दिन में सीख गए देखो मेरे को आ गया कैमरा ऑटो मोड पे ऑन किया मैंने तो फोटो खींच लिया ऑटो मोड पर ही खींचना तो ठीक ही है ये सेशन की भी कोई ज़रूरत नहीं है ऑटो मोड में तो आपके फोटो ऑटोमेटिकली अच्छे ही आने वाले हैं तो फिर हम लोग ये कैमरा सेटिंग सीख क्यों रहे हैं कंट्रोल के लिए आपको कंट्रोल मिलेगा जब कोई चीज़ आपके कंट्रोल के अंदर होती है तब ही जाकर आप फोटोग्राफी अच्छे से कर सकते हो हमारा जो ये देश है ना जहाँ पे हम लोग ने इतने साल तक हमारी आज़ादी के लिए लड़ाई की हमारे इसके लिए लड़ाई की कि नहीं हमारा चलना चाहिए कोई हमको कोई राज नहीं चाहिए हमारी ही सिर्फ चलनी चाहिए क्यों क्योंकि हम ये जो थी पूरी की पूरी बागदौड़ अपने हाथ में चाहिए हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है हमें किसी के अंदर काम नहीं करना हमें हमारे हिसाब से काम करना है क्यों क्योंकि हम हमारे हिसाब से पूरी चीज़ को संवरेंगे पूरी को कोई चीज़ को सही करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगी राइट वैसे ही कैमरा सेटिंग्स होते हैं जब आप फोटोग्राफी करते हो और आपने जो माइंड में जो क्रिएटिविटी सोची है अगर आप उस चीज़ को फोटोग्राफ में उतार सको तो एक्चुअली वही आपका काम था तो फिर इसके लिए जो कैमरा है जो डी एस है वो एक टूल है एक साधन है एक हथियार है जिसके थ्रू आपने जो सोचा है उसको आप इमेज के रूप में उसको निकाल सकते हो अभी जब आप फोटोग्राफी कर रहे हो तो ये जो सेटिंग्स है वो इतने महत्व के हैं पहले के ज़माने में मैं आप एक को एक छोटी सी बात बोल रही हूँ पहले के ज़माने में क्या होता था कि आ, लोग एक दूसरे को सिखाते नहीं थे फ़ोटोग्राफ़ी ठीक है तो मैंने एक सेशन अटेंड किया था जहाँ पे मुझे समझ में आया कि एक जो 40 50 उम्र उम्र के जो अंकल थे उन्होंने मुझे बताया कि मेरे टाइम पे ना मतलब जो जब वो 25-30 थर्टी ईयर्स के थे तब अगर एक फोटोग्राफर दूसरे फोटोग्राफर को कैमरा सेटिंग पूछ ले तो वो कभी नहीं बताता था या तो फिर जब अगर वो बोले ना कि अच्छा मैं ठीक है मैं पाँच मिनट वॉशरूम जाके आता हूँ फिर भी अपने कैमरा में जो है वो सेटिंग्स चेंज करके जाता था ताकि सामने वालों को पता ना चल जाए कि मेरी कैमरा की सेटिंग क्या थी सोचो इतना दिमाग इतना इनसिक्योर थे कि यार मेरी सेटिंग किसी को समझ में आ गई ना तो हो गया मतलब उसको मेरी आर्ट समझ में आ गई मैंने इस चीज़ को कैसे कैप्चर करा था ना वो उसको समझ में आ गया तो यही प्रॉब्लम है ठीक है तो आज का ये से जो सेशन है वो आपका यही डाउट क्लियर करेगा कि कैसे आप सब लोग भले ये सेशन अटेंड कर रहे हो पर हर इंसान ना अपने हिसाब से कैमरा को सेट करेगा जैसे कि अगर वो वो खरगोश और कछुए वाली कहानी नहीं है हम सब ने वो कहानी सुनी है पर अगर मैं आपको बोलूँ ना कि भाई तू वो कहानी लिख तू वो कहानी लिख हर इंसान ना अलग ढंग से वो कहानी लिखेगा कहानी वही होगी पर लिखेगा अपने अपने ढंग से क्रिएटिविटी वैसी ही होती है अगर मैं अभी आपको कैमरा सेटिंग समझा भी दूं मैं जैसे कैप्चर करूंगी या आप जैसे कैप्चर करोगे या वो कैसे कैप्चर करेगा सब अलग अलग ढंग से वही चीज़ को कैप्चर करेंगे क्योंकि सबका दिमाग अलग से ढंग से चलता है और अपने अलग दिमाग के चलने की वजह से वो अपने पे क्रिएटिविटी बाहर निकालता है इसीलिए कोई फोटोग्राफर एक जैसा नहीं होता और कोई इंसान भी एक जैसा नहीं होता है राइट right? तो देखिए कैमरा सेटिंग का सबसे पहला होता है ऑटो मोड जिसको हम वहाँ पे नहीं जा रहे हैं हमको बनना है प्रोफेशनल हम हमको और एक लेवल ऊपर आना है ठीक है तो इसके लिए आपके पहले होता है मैनुअल मोड ऑटो मतलब सब कुछ करेगा कैमरा हमको कुछ नहीं हमको सिर्फ कैप्चर करना है कैप्चर करना है कैप्चर करना है पर जो मैनुअल मोड है वो हम हमारे हिसाब से जैसा चाहे वैसे कैमरा को बोल रहे हैं कि भाई ऐसे सेट हो जा ताकि मुझे वो इमेज मिले ऑटो में क्या हो रहा है कि भाई कैमरा करेगा अपने हिसाब से हम उसके नीचे हैं मैनुअल में क्या हो रहा है हम तुम्हारे ऊपर है और तुम हमको जो ऐसा चाहिए हमको जो कैमरा सेटिंग्स चाहिए ना वो करोगे हमारे जो माइंड में है वो चीज़ें आपके फोटोग्राफ्स में कैप्चर होगी वो होता है एप्सल्यूट मैनुअल मोड मैन्युअली पूरा का पूरा आपने अपने हिसाब से सेट किया है इसके नीचे आते हैं सेमी मैनुअल मोड या सेमी ऑटो मोड बोल दो जिसमें आधा कैमरा ले लेगा ले और आधा, आधा आपको सेटिंग करना है मतलब क्या होता है इसको सेमी मोड्स कहते हैं जैसे ए मोड होगा एस मोड होगा पी मोड होगा अब ये सब क्या है वो हम आगे आगे देखेंगे पर अगर मुझे आपको ब्रीफ देना हो तो एपच मोड शटर मोड प्रोग्राम मोड ये सारे मोड्स में क्या होगा कुछ चीज़ें आप सेट करोगे और कुछ चीज़ें जो है कैमरा अपने हिसाब से सेट करेगा ये आपका काम आसान कर देता है क्योंकि जो ऑटो इंटेलिजेंस है मतलब कैमरा की जो रोबोटिक टेक्निक्स है कि वो रोबोटिकली अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कैमरा का जो दिमाग जो थोड़ा बहुत दिमाग जो दिया गया है वो ऑटोमेटिकली आपको हेल्प कर रहा है और साथ ही साथ जो आपकी क्रिएटिविटी है वो भी आ रही है मतलब मैनुअल मोड में जितना आपको टाइम लग रहा था जितना आपको कंज्यूम हो रहे थे उतने आप नहीं हो रहे हो इसको लोग धीरे धीरे डिटेल में देखेंगे चिंता मत करो अब ये हो गया मोड ठीक है इस मोड के हिसाब से आप जो है फोटोग्राफी करने वाले हो सबसे पहले आज हम सिर्फ मैनुअल मोड को समझने वाले हैं जो मैन्यूल मोड है जहाँ पे पूरा का पूरा सेटिंग आप ही करने वाले हो आपको कोई भी दूसरा तीसरा ऑटोमेटिक कुछ हेल्प नहीं होने वाला है सिर्फ मैन्युअली आपको जो है फ़ोटोग्राफी करनी है आज इस सेशन में उसको हम लोग सारे कैमराज में देखेंगे चाहे सोनी हो निकॉन हो कैनन हो फूजी फिल्म हो सब में यही होता है तो देखते हैं कि कैसे आप कैप्चर करने वाले हो देखिए फोटोग्राफी में ना चार चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है एक होता है एपचो शटर स्पीड आईएसओ। इस तीन चीज़ों से बनेगा आपका एक्सपोजर फोटोग्राफी के जो कैमरा सेटिंग्स है उसमें दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है सबसे पहला आता है कलर्स और दूसरा आता है एक्सपोजर ये दोनों चीज़ें उतनी ही इम्पॉर्टेंट है अगर कोई भी फोटो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट दिखेगा मतलब बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज दिखेगा बहुत ज़्यादा उसमें ब्राइटनेस होगी तो आपको वो फोटो में दिखेगा ही नहीं कि क्या था अगर फोटो पूरा का पूरा डार्क हो जाएगा एकदम काला काला दिखेगा तो भी आपको पता नहीं चलेगा ये क्या था ऐसा तो होना चाहिए ना कि जो आप फोटो खींच रहे हो वो सही से दिखे इंसान को कि आपने क्या कैप्चर किया है तो उसको हम लोग एक्सपोजर बोलते हैं कोई भी चीज़ आज मैं अगर एक रूम में जाऊँ ठीक है एक रूम में मैं बैठी हूँ और वो रूम की लाइट आपने बंद कर दी मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है तो वो वहाँ पे आपने बहुत अच्छा सा डेकोरेशन किया है मतलब एकदम पार्टी की है पर मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है वो रूम में पूरा अंधेरा है कुछ भी मतलब है उसका और साथ ही साथ अगर मैं ऐसा करूँ कि इतनी सारी लाइट आ रही है मतलब बहुत ज़्यादा धूप है यहाँ से धूप है वहाँ से धूप है मुझे फिर भी कुछ नहीं दिख रहा है मेरी तो आँखें जल गई फिर भी मेरे को मज़ा नहीं आ रहा है मज़ा कब आता है जब सारे कलर्स सारी चीज़ें जितना भी रखा है वो सही से मेरी आँखों को दिखे तब जाके उसका जो एक्सपोजर है वो राइट रहेगा है ना जो आपका फोटो है वो सही से दिखेगा साथ ही साथ जो वाइट बैलेंस है जो या कलर्स की बात कर ले जो कलर्स हो गए वो कैसे हो गए एकदम सही कलर्स होने चाहिए अभी जो ब्लू दिख रहा है वो डार्क ब्लू या लाइट ब्लू दिखना नहीं चाहिए अभी जो लाल है वो एकदम लाल एकदम भड़का लाल नहीं दिखना चाहिए एकदम कलर्स एकदम सही से दिखने चाहिए काफ़ी बार ऐसा होता है कि सामने वाले का ना कपड़े के कलर ही चेंज हो गए हैं आपको ऐसा कुछ करना है क्या आपको जो है जो कलर्स है वो तो सही से दिखने चाहिए ना पोस्ट प्रोसेसिंग में मतलब एडिटिंग में आप कुछ नया करो वो बात अलग है पर अभी के लिए आपको सही से सबसे पहले जो कलर्स है या सो एक्सपोजर है जो जो ब्राइटनेस है वो सारा तो आपके कैमरा में सेट कर लो देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ क्या होता था ना पहले मैं जितने भी फोटोग्राफर को मिलती थी वो क्या करते थे अरे आ, बहुत कम टाइम है फोटोग्राफर चाहिए अरे तेरे को सही से तू फोटो तो खींच लेगा ना तो वो बोलता है हाँ मैं खींच लूँगा एक देख तू दो चीज़ का ध्यान रख लेना कलर सही से आने चाहिए और जो फोटो है ना वो बहुत ब्राइट या डार्क नहीं दिखना चाहिए एकदम प्रॉपरली दिखना चाहिए वो आता है कि हाँ उतना आता है मतलब तेरे को कैमरा का सेटिंग करना आता है ना चल 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 तू चल इतना ईजिली उसको काम भी मिल जाता था क्योंकि इसको यही था कि अगर तूने फोटो जला दिया या फ़ोटो एकदम काला खींच लिया तो उस फोटो का कोई मतलब नहीं है ठीक है या फिर उस कलर के उस, उस फोटो के जो कलर थे वही तूने बदल के दे दिए तो उसका मैं क्या करूँ एक बार तूने फोटो एकदम वाइड में या टैली में खींच लिया उसका तो चल मैं अभी भी कुछ ना कुछ कर लूँ पर ये तो कुछ मतलब का ही नहीं है सबसे मेन चीजें है जो कैमरा सेटिंग्स है उसमें है एक्सपोजर और है वाइट बैलेंस मतलब कलर्स ऑफ़ कोर्स अगर आप हमारे यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स हो आपने ऑलरेडी एपचर आप शटर आईएसओ वाइट बैलेंस ये सारे वीडियोस आई सपोज होप आपने देखे हुए रहेंगे पर फिर भी इस वीडियो में उस चीजों को हम लोग प्रैक्टिकली देखने वाले हैं ठीक है अभी तक जो आप देख रहे थे वो क्या था वो एक थियोरटिकल वीडियो था एक थियरी था जो हमारा सेशन है जो हमारा कोर्स है उसमें उसी थियोरी को और भी डेप्थ में लेके जाएंगे और फिर उसी प्रैक्टिकल सेशन को और भी प्रैक्टिकली देखने में जाएगा और साथ ही साथ जो भी प्रैक्टिकल सेशन आपके हो गए जो आप फ़ोटो खींच ले के लेके आओगे वो मैं व्यू कर कर करके आपको बता सकती हूँ कि यार यहाँ पर आप ये गलती कर रहे हो वहाँ पर आप ये गलती कर रहे हो यूजुअली क्या होता है कि जो ऑनलाइन सेशंस होते हैं वहाँ पे हम पूरे के पूरा जो कोर्स होते हैं वो ऑनलाइन चढ़ा देते हैं फिर आप देखो और आप कोर्स देखो मेरा तो काम हो गया मुझे पैसे मिल गए मैं जा रही हूँ ठीक है इसमें क्या होता है इंसान ना बोर हो जाता है सच बोल रही हूँ मैंने खुद ने जो कोर्सेज हम लोग तो खरीदते हैं मतलब मेरे को कोई शौक हो गया कुछ चीजें सीखनी है मैं कोर्सेज खरीदती हूँ फिर क्या होता है हम काफ़ी के बार तो कोर्स देखते भी नहीं आया था और काफी बार क्या होता है हम देख के ना कुछ समझते नहीं है होता ही है क्योंकि उसने जैसा बोला वैसा बोला पर तुमको समझ में आया उसने क्या बोला ऐसा भी तो होता है ना पर इसीलिए हम लोग जो ना लाइव सेशन प्रेफर करते हैं या प्रैक्टिकल सेशन प्रेफर करते हैं कि हम वहाँ पे जाके देख लेंगे कि ये मैडम कैसे कर रहे हैं और आप दिखाओ कि हम कैसे कर रहे हैं बहुत ही आसान होता है हम वहाँ पे जाके देख लेंगे अभी का जो सिचुएशन है और अभी की जिस हिसाब से महंगाई है वहाँ पे आपका यहाँ आना रहना खाना ये सारी चीज़ें जो है महंगी हो जाएगी साथ ही साथ कोविड के टाइम में सब कुछ बंद भी बहुत है इसीलिए जो है ऑनलाइन इतना ऊपर आ गया है और ये जो मैंने जो हम लोग ने डिज़ाइन किया है वो बहुत ही पर्टिकुलर है कि आपको एक मिनट के लिए भी ऐसा ना लग जाए कि आप क्लास में नहीं हो ये प्रॉपर क्लासरूम ही होगा ये सेटअप पूरा क्लासरूम ही होगा जहाँ पे आपको असाइनमेंट्स होंगे आपको होमवर्क होंगे और आपकी एक एक चीज़ों को रिव्यू किया जाएगा आपको कॉल्स में अटेंड करना पड़ेगा या तो फिर आपको जूम पे लाइव आते आते आपके सारे क्वेश्चंस वहाँ पे क्लियर हो गए बस हम लोग वर्चुअल हो गए और क्लासरूम नहीं होगा एक्जैक्टली exactly वैसे प्लान किया गया है और इसीलिए ये जो सेशन है यहाँ पे हम प्रैक्टिकली अभी आपको दिखाना शुरू करेंगे कि आप कैसे जो ये कैमरा सेटिंग्स है मतलब एपिचर शटर स्पीड आईएसओ वाइट बैलेंस और बस यही है तो ये सारी जो चीजें हैं और लाइटिंग ऑफ कोर्स लाइटिंग का कुछ नॉलेज होगा ये सारी लाइटिंग के सेशन के साथ आप जो है उस फोटो को कैप्चर कैसे करोगे कैसे आप एक राइट right कलर्स और राइट right एक्सपोजर सेट करोगे कोई भी कैमरा में वो देखेंगे तो चलो चलते हैं तो अभी आप देख सकते हो कि हमारे पास एक फ्लावर पॉट है जिसमें कुछ कलर्स है राइट right? एंड ये एक आर्टिफिशियल फ्लावर पॉट है साथ ही साथ हम लोग ने कैन का फाइव डी मार्क फोर यूज़ किया है जो मैं यूजअली यूज़ करती हूँ एंड इसके में है एक फिफ्टी एम एम का वन पॉइंट एट मतलब एफ़ वन पॉइंट एट का लेंस है ये एफ वन पॉइंट एट क्या है ए क्या है शटर क्या है वो सब कोर्स में ऑफकोर्स डिटेल में दिया गया है पर फिर भी मैंने इसके जो थियोरटिकल वीडियोज़ हैं वो भी चैनल पे मतलब यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए गए हैं तो प्लीज़ उसको एक बार देख भी सकते हो उसमें भी इसे आपको काफ़ी सारा नॉलेज मिलेगा ठीक है तो अभी हम लोग प्रैक्टिकल देख रहे हैं एज आई मैंशन टू यू अर्लियर तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ऑटो मोड पे नहीं जा रहे हैं हम डायरेक्ट जा रहे हैं मैनुअल मोड पे तो हम लोग ने यहाँ पर मैनुअल मोड ऑन रखा है कैमरा ऑन किया है अभी जो हमारा आई है वो हम लोग सौ रख रहे हैं हम लोग आई एस क्यों रख रहे हैं क्योंकि ये सबसे मिनिमम आई है और शटर स्पीड जो है जिससे हम कोई भी चीज़ को फ्रीज़ कर सकते हैं इसको हम लोग वन बाई टू हंड्रेड रख रहे हैं अभी ज़रूरी नहीं है वन बाई टू हंड्रेड ही रखो पर मैंने एज एन अजम्शन इसको वन बाई अभी टू हंड्रेड रखा है जिसमें कोई भी चीज़ अच्छे से हाथ का जो शेक आता है वो भी फ्रीज़ हो जाता है और अगर सब्जेक्ट थोड़ा सा मूविंग है वो भी फ्रीज़ हो जाता है यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो तो वहीं पे वहीं स्टिल खड़ा है राइट तो इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है और जो आई है उसको मिनिमम रखा है क्योंकि मेरे पास अभी एक वीडियो वीडियो लाइट जो रहती है गोडोक्स की जो वीडियो लाइट है वो हम लोग ने ऑन करके रखी है तो उसकी वजह से इतना सारा मेरे को ब्राइट करने की ज़रूरत नहीं है अभी हम ये देखते हैं कि हम 1.8 f 1.8 पे अगर इस चीज़ को कैप्चर करें तो कैसा आ रहा है आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे कि पूरा का पूरा फोटो जो है थोड़ा सा अंडर एक्सपोज आ रहा है अभी आपके पास दो ऑप्शन है या तो फिर आप जो है अपना एपेचर और भी नीचे करो अभी हम लोग एफ पे पर है जहाँ पर जो एपेचर है वो सबसे वाइड है वाइड होने की वजह से वो सबसे ब्राइटेस्ट पार्ट पे है मतलब जितना हो सके उतना इस जो ऑब्जेक्ट है उसको ब्राइट करने की हमने ट्राई की है इससे ब्राइट और नहीं हो पाएगा ठीक है इसके लिए हम लोग ने जो है एफ वन पॉइंट एट रखा था जो आई एस ओ है वो हम लोग ने हंड्रेड रखा था ठीक है अगर हम आई एस ओ हंड्रेड को टू हंड्रेड कर दें तो ये जो फोटो अभी जितना डार्क दिख रहा है उससे डबल ब्राइट दिखेगा मतलब अभी जितना डार्क है उससे थोड़ा सा ब्राइट मतलब अभी जितना है उससे थोड़ा सा ब्राइट हो जाएगा ठीक है अभी हम लोग वो ट्राई करके देखते हैं मतलब एपलचर एफ वन पॉइंट है और जो आई है उसको ही मैंने चेंज किया है आईएसओ 200 के ऊपर अभी आप देख सकते हो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ना चीजें जल गई है मतलब जो फूल है वो जल गया है जो काफी सारे जो डिटेल्स है वो जली जली दिख रही है तो अभी हमको ऐसी सिचुएशन में क्या करना है तो देखिए अभी जो आई है अभी हम लोग उसको 200 से 150 तो नहीं लेके जा सकते हैं क्योंकि काफ़ी सारे कैमराज में वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है इसके लिए जो शटर स्पीड है उसको हम लोग को शिफ्ट करना है अभी हमारा जो शटर स्पीड है वो 1 बाई टू के हिसाब से है और अभी हमको अगर उसको शिफ्ट करेंगे तो हमारा जो एक्सपोजर है वो हम लोग सही से कंट्रोल कर पाएंगे अगर मुझे आपको एकदम ये आसान भाषा में समझाना हो तो जो एपचर होता है और जो शटर स्पीड होता है एंड आईएसओ ये तीनों चीज़ें आपकी एक्सपोजर को कंट्रोल करती है मतलब ये ब्राइटनेस या डार्कनेस को कंट्रोल करती है अगर जो एपेचर होता है आपने अगर एपेचर सपोज एफ़ वन पॉइंट एट था अभी वन पॉइंट एट ये जो न्यूमरिकल्स हैं वन पॉइंट एट को अगर आपने टू पे ले लिया तो वो थोड़ा सा डार्क दिखेगा अगर टू को आपने फाइव पॉइंट सिक्स में ले लिया वो ज़्यादा डार्क हो जाएगा फाइव पॉइंट सिक्स को आपने एट पे ले लिया और भी डार्क हो जाएगा तो जैसे जैसे आपकी न्यूमेरिकल्स बढ़ेगी वैसे वैसे आपका जो ब्राइट पार्ट था वो अब डार्क होने लगेगा ब्राइट फोटो डार्क लगेगा इसको हम लोग एपचर बोलते हैं ये एग्जैक्टली exactly इसका जो साइंस है वो मैंने वीडियो में दिखाया है और साथ ही साथ उसका एक जो है कैसे प्रैक्टिकली करते हैं वो अभी हम लोग देखेंगे जो शटर स्पीड है उसका क्या होता है कि अगर आप जो शटर स्पीड है अगर एक सेकंड तक आपके लाइट जो जो भी लाइट है एक सेकंड तक आपके कैमरा में एंटर होने दो तो उतना ब्राइट फोटो होगा अफकोर्स आपके कैमरा में बहुत सारी लाइट एंटर हो रही है तो ऑटोमेटिकली वो जो फोटो है वो ज़्यादा ब्राइट दिखेगा अभी उसी एक सेकंड को अभी हम लोग आधा कर दें मतलब वन बाई टू कर दें तो आधी लाइट एंटर होगी अभी एक सेकंड तक लाइट अंदर आ रही थी ना उसके बदले आधी लाइट एंडर होगी वन बाई फोर कर दोगे तो एक सेकेंड का चौथाई पार्ट उतना ही लाइट कम एंटर होगा अभी एक चौथाई करोगे उसके बाद एक आठ करोगे तो एक सेकेंड का जो आठवां भाग है मतलब इतना कम टाइम के लिए लाइट कैमरा के अंदर एंटर होगी जिसकी वजह से वो और भी डार्क हो जाएगा इसका मतलब है कि अगर एक सेकेंड में फोटो ब्राइट दिख रहा है तो वन बाई टू पे वो आधा ब्राइट दिखेगा अगर वन बाई टू पे ब्राइट दिख रहा है तो वन बाई फोर पे उससे भी ज़्यादा कम ब्राइट दिखेगा वो धीरे 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 डार्क होता जाएगा क्योंकि कम टाइम के लिए आपके कैमरा के अंदर लाइट एंटर हो रही है ज़्यादा टाइम के लिए अगर कैमरा के अंदर लाइट एंटर होगी तो ऑटोमेटिकली फ़ोटो ब्राइट होगा अगर कम टाइम के लिए लाइट एंटर हो रही है तो ऑटोमेटिकली वो फ़ोटो डार्क हो जाएगा अगर आप एपिकर और शटर स्पीड से आपका फ़ोटो का एक्सपोजर मतलब जो ब्राइटनेस और डार्कनेस है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप जंप मारोगे आईएसओ के ऊपर जब हम बात करें आईएसओ के लिए तो आईएसओ में अगर हम 100 पे शूट करें तो आपका फ़ोटो जैसा है नॉर्मली उसका जो लीस्ट आईएसओ है वो हम लोग ने सिलेक्ट किया पर जैसे जैसे आप आई एस से दो सौ से चार सौ से आठ पे जाओगे मतलब आपका आई बढ़ाओगे तो फ़ोटो ब्राइट होता जाएगा अभी क्या हो रहा है ना कि आपको ये ज़्यादा आसान लगेगा कि मैं आई बढ़ा दूँ पर उसके साथ जो है उसमें नॉइज़ बढ़ेगा मतलब एकदम एक डोटी डोटी अपियरेंस आएगा जो किसी को भी देखने में अच्छा नहीं लगता है उसकी शार्पनेस भी बहुत ही कम हो जाती है इसके लिए आज हम ये तीनों चीज़ें जो मैंने अभी बड़बड़ाया है ना वो तीनों चीज़ें को हम लोग एक्चुअली देखेंगे ये कैसे इफ़ेक्ट करता है इसके लिए हम लोग जो शटर स्पीड और आईएसओ है उसको थोड़ा सा चेंज करेंगे पर ज़्यादातर जो है पहले एपेचर देखेंगे फिर शटर देखेंगे और फिर आईएसओ देखोगे अभी इसको पता कैसे चलेगा कि ये फ़ोटो डार्क है या फोटो ब्राइट है इसका मेन बात ये है कि आप जो फ़ोटो देख रहे हो या तो अपनी आँखों से ट्रायल एंड एरर से मतलब खुद से दिमाग लगा लगा के अनुमान लगा लिया कि ये डार्क है और ये ब्राइट है कभी कभी ऐसा होता है कोई सिचुएशन एकदम ही डार्क रहेगी और आपको ना फोटो सही लगेगा पर जैसे ही आप घर जाओगे आपको पता चलेगा कि यार ये फ़ोटो तो बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा डार्क लग रहा है मतलब इसमें भी इससे भी ज़्यादा ब्राइट में खींच सकती थी पर मैंने खींचा ही नहीं क्यों क्योंकि आप आपकी जो आंखें होती है वो सही ढंग से उसका अनुमान नहीं लगा पाती है तो आपके कैमरा के अंदर एक अमेजिंग फ़ीचर है जिसको हम लोग बोलते हैं मीटर रीडिंग अगर आप आपका कैमरा देखोगे कोई भी कैमरा ले लो निकॉन ले लो या सोनी ले लो फूजी फिल्म ले लो या कैनन सारे कैमराज में ये सेम कैमरा सेटिंग्स है कोई कैमरा में कुछ नया फीचर इसमें नहीं दिया गया है ठीक है तो लेट्स गेट इन हियर, तो देखिए अभी हम लोग क्या कर रहे हैं जो शटर स्पीड है उसको मैं वन बाई टू हंड्रेड रख रही हूँ एकदम ही बेसिक सा शटर स्पीड अभी सिलेक्ट कर रही हूँ अनुमान के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि यह शटर स्पीड पे जो है वो टाइम अच्छे से फ्रीज़ कर पाएगा और मेरा जो हैंडशेक है ना वो नहीं आएगा अगर मैं ए, वन सेकेंड वाला शटर स्पीड लूँ तो क्या होगा एक सेकेंड तक मेरा हाथ भी तो हिलेगा इसके लिए मैंने वन बाई टू हंड्रेड रखा है सपोजिंगली इसको मैं चेंज बाद में करूँगी साथ ही साथ जो आई है जिससे नॉइज़ आगे जड़ के बढ़ने वाला है इसके लिए मैं कम से कम आई रख रही हूँ जो है आई एस अगर मैं 200 सौ रखूँगी तो 100 से डबल आएगा इसके लिए मैं सिर्फ आई एस रख रही हूँ ठीक है ये दो चीज़ें मैं अभी के लिए सेट कर रही हूँ और अभी के लिए हम सिर्फ और सिर्फ जो एपिचर है उसको ही कंट्रोल करना मांगते हैं अभी हम लोग F1.8 रख रहे हैं और देखते हैं कि क्या इफेक्ट आ रहा है अभी आप अगर देखोगे तो फोटो काफी हद तक सही दिख रहा है पर मुझे लगता है कि थोड़ी सी जिसके उसके डिटेल्स हैं वो थोड़ी सी ब्राइट आ रही है एक साइड जिसके लिए हम जो है एपेचर 2.2 करेंगे अभी ऐसा लगता है जैसे एकदम ही सही डिटेल्स आ रही है सारे जो कलर्स है जो लाइटिंग का वेरिएशन है वो भी एक्जैक्टली सही दिख रहा है अभी इसके बाद 2.2 के बाद हम 2.8 पे जाएंगे और फ़ोटो खींचेंगे अब आप देख सकते हो कि फोटो ब्राइट के बदले एकदम डार्क दिख रहा है आप देख रहे हो पहले 1.8 पे क्या हो रहा था अभी 2.8 पे क्या हो रहा है अभी इसके ही साथ अगर हम 2.8 का फोर कर दें, और भी डार्क हो गया फोटो एकदम डार्क दिख रहा है राइट अभी ये फोर को 5.6 कर दे एकदम डार्क हो गया अब तो कुछ शायद, शायद कुछ दिख ही नहीं रहा है राइट अब ये 5.6 को 8 कर दे तो एकदम ही डार्क हो गया मतलब वो एकदम डार्क होते जा रहा है जैसे जैसे अब आप एपेचर बढ़ाओगे डार्कनेस बढ़ेगा क्यों क्योंकि एपेचर आपके लेंस के अंदर होता है और जितनी लाइट अभी एंटर हो रही है उसका जो एपेचर का होल है वो बहुत ही अभी नैरो हो गया है 1.8 पे क्या था एपेचर का होल एकदम ही बड़ा था तो बहुत सारी लाइट एंटर हो रही थी अभी क्या आ रहा है धीरे 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 आपने वो एपेचर का जो होल है वो छोटा कर दिया जिसकी वजह से कम लाइट एंटर हो रही है यही कारण है कि पहले वो ब्राइट दिख रहा था अब वो डार्क दिख रहा है सिंपल लॉजिक है अभी देखिए ये बात मैंने एपेचर की कर दी अब हम लोग बात करेंगे शटर स्पीड की कि अभी हम लोग वापस जो एपेचर है वो एफ 2.2 रख रहे हैं क्योंकि वो सबसे बेस्ट एपिक्चर लगा था राइट हमको लगा था कि हमारी फ़ोटो सबसे बेस्ट उसी में आई थी तो अभी मैं वापस जो है 2.2 पे टू जा रही हूँ और जो आ, शटर स्पीड है वो मैंने वन बाई टू रखी थी जिसके बदले हम एक सेकेंड पर जाएंगे और अब देखते हैं कि क्या इफ़ेक्ट आ रहा है क्या हुआ पूरा का पूरा फ़ोटो ब्राइट हो गया एकदम ही ब्राइट और आवाज़ सुना कितनी देर के बाद आ रहा है और मेरा हाथ हिल गया थोड़ा सा थो शेकी शेकी फील आ रहा है कि नहीं मतलब जो शटर था वो ऊपर आया बहुत टाइम मतलब एक सेकेंड भी कैमरा के लिए बहुत है एक सेकेंड में आप सांस भी लेते हो ऐसे और जिसकी वजह से आपका हाथ हिलता है आपका जो शटर है वो ऊपर गया एक सेकेंड के लिए आपका हाथ भी हिला और आपने इतने टाइम के लिए कैमरा के अंदर लाइट एंटर होने दिया वो शटर जैसे नीचे गया और आपका फ़ोटो कैप्चर हुआ जिसकी वजह से फ़ोटो बहुत ही ब्राइट लग रहा है और वो शेकी लग रहा है ये सिचुएशन में ये एपीचर गलत है राइट right? आप ये एपीचर में क्या ही कैप्चर कर रहे हो पूरा का पूरा ब्राइट फोटो आ गया तो अभी आप क्या करोगे अभी एक सेकेंड को हम चुनते हैं 0.5 लेते हैं ठीक है ठीके? अब देखते हैं क्या हो रहा है 0.5 का मतलब क्या होता है एक सेकेंड का आधा हो गया मतलब 0.30 हो गया अभी आपने देखा कि थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ग्रीनी ग्रीनी दिख रहा है पर बहुत ही ब्राइट है जल गया है फ़ोटो एंड आपका जो शटर का आवाज़ था ना वो भी थोड़ा सा कम आया मतलब जल्दी से वो आ गया फिर आप देखो कि सुनोगे ना पहले एक सेकेंड में क्या था थोड़ा सा धीरे मतलब धीरे से एकदम चिपक के आ रहा था आवाज़ अब थोड़ा सा कम चिपका ऐसा लगा सुनाती हूँ एक मिनट रुको पहले एक सेकेंड में क्या हो रहा था अभी क्या हो रहा है है ना डिफरेंस मतलब जो एक सेकंड था उसका आधा हो गया तो कितना मतलब फटाक मतलब कम कम आवाज आ रहा है अभी हम ये जीरो पॉइंट फाइव का करते हैं वन पॉइंट फोर मतलब वन बाई फोर पहले क्या था वन सेकेंड उसका हम लोग ने कर दिया वन बाई टू मतलब जीरो पॉइंट फाइव इसका हम लोग ने और भी आधा कर दिया वन बाई फोर मतलब एक सेकेंड का चौथा ही भाग आवाज़ कम आया मतलब जो चिपका हुआ आवाज़ है वो कम आया ग्रीन में अभी थोड़ा सा पिंक भी दिख रहा है है ना अभी इसके साथ ही हम ऐसे ही आगे बढ़ेंगे वन बाई फोर का हम लोग ने किया है वन बाई एट तो अभी हम वन बाई एट पर फोकस करते हैं कम चिपका ग्रीन अभी भी ग्रीन दिख रहा है पिंक्स भी ज़्यादा दिख रहे हैं फोटो अभी थोड़ा सा कम ब्राइट रहा है अभी ब्राउन जो शेड है वो भी दिख रहा है अब देख रहे हो क्या फ़र्क गिर रहा है अभी ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे वन बाई एट का मैंने कर दिया वन बाई सिक्सटीन मैं देखो वन बाई सिक्सटीन इसमें नहीं होता है जिसके लिए मैंने किया है वन बाई फिफ्टीन काफ़ी लोगों का यही क्वेश्चन होता है कि वन बाई सिकट दिया है तो वन बाई सिक्सटीन क्यों नहीं दिया है क्योंकि जो एपेचर होता है उसके रेसिप्रोकेट में शटर स्पीड बनाया हुआ रहता है जिसके लिए अब वो वन बाई फिफ्टीन दिखाएगा और वन बाई सिक्सटीन नहीं दिखाता है ठीक है ये एक टेक्निकल रीज़न है वाओ अभी आप देख सकते हो कि ग्रीन्स भी दिख रहे हैं थोड़ा सा ब्राउन भी दिख रहा है और अब थोड़ा सा ना डिटेल्स दिख रही है ब्राइट तो ये अभी भी है जला हुआ तो ये अभी भी है ठीक है पर फिर भी ये डिटेल्स दिख रही है अभी ये वन बाई फिफ्टीन का हम और डबल कर देंगे वन बाई थर्टी मतलब एक सेकेंड का अगर तीस भाग करो जो तो तीसवा भाग है ना उतना जल्दी अब ये शटर ऊपर नीचे होगा फास्ट वॉज इट फास्ट इट वॉज फास्ट बट स्टिल स्टिल अभी भी ये फोटो ब्राइट है कि नहीं ब्राइट तो है साथ ही साथ जो डिटेल्स देखोगे वो है अभी भी डिटेल्स आ रही है दिख रहा है पर ब्राइट है काफी हद तक ब्राइट है ठीक है अभी हम क्या करोगे वन बाई थर्टी का वन बाई सिक्सटी करेंगे फास्ट था ब्राइट था कि नहीं था एकदम ब्राइट था एंड एकदम क्विक था पर फिर भी थोड़ा सा डिटेल्स कम दिख रहा है अभी हम करेंगे वैसे ही आगे बढ़ेंगे वन बाई वन ट्वेंटी फाइव पे मतलब वन बाई सिक्सटी का अभी वन बाई वन ट्वेंटी फाइव हुआ है और वन बाई ट्वेंटी नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ टेक्निकल रीजन ओके विद द एपिचर आवाज तो फास्ट हुआ है डिटेल्स भी बहुत अच्छी मिली है और साथ ही साथ जो है कलर्स एकदम सही मिले हैं यही चाहिए था अभी क्या हो रहा है और भी आगे जाएंगे वन बाई टू हंड्रेड पे डबल कर दिया है ऑलमोस्ट अभी भी और भी डार्क हो गया पहले से ज्यादा डार्क दिख रहा है अभी हम लोग 400 पे जाएंगे वन बाई फोर हंड्रेड के ऊपर डार्क हो गया है ना एकदम डार्क लग रहा है और जो स्पीड का आवाज कहता है स्पीड एकदम फास्ट हो गया कि नहीं पहले से तो कितना कितना फास्ट हो गया है स्पीड वन बाई फोर हंड्रेड का अभी हम लोग करेंगे वन बाई एट हंड्रेड मतलब एक सेकेंड का आठ सौवा भाग का फास्ट फास्ट इतना फास्ट डाटा एकदम फास्ट था साथ ही साथ जो आवाज था वो भी एकदम क्विक था और फोटो एकदम ही डार्क हो गया है अब आठ सौ का क्या किया अभी हम लोग वन बाई सिक्सटीन हंड्रेड करें मतलब सोलह सौवा भाग सोलह सो वन एकदम क्विक पहले से भी ज्यादा और पहले से भी ज्यादा डार्क ऐसे ही आपका जो शटर स्पीड है वो बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा ठीक है और बढ़ते बढ़ते आपकी जो लाइट है वो कम टाइम के लिए कैमरा के अंदर एंटर हो रही है तो वो फटाक से ऊपर नीचे होगा और आपका फोटो कैप्चर होने का है ना ये हो गया शटर तो देखो अभी हम लोग बात करेंगे आईएसओ के बारे में क्योंकि हम लोग ने शटर की बात कर ली आईएसओ के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसके पहले जो उसके अप्रोप्रिएट मतलब शटर के अप्रोप्रिएट और एपेचर के अप्रोप्रिएट जो सेटिंग्स थे वो तो पहले कर ले हम ऐपेचर में ना एफ़ टू पॉइंट टू पर खुश थे और जो शटर स्पीड था उस पर वन बाई वन ट्वेंटी फाइव पर एकदम खुश थे क्योंकि हमको लग रहा था कि जो शटर है वो भी सही मतलब ब्राइट नहीं लग रहा था और एफ टू पॉइंट टू पर ना एकदम ही सही फ़ोटो आ रहा था राइट अभी हम लोग आई एस ओ सौ रखते हैं जो सबसे कम से कम आई एस ओ जो अभी तक चल रहा था अब देखते हैं कि क्या इफेक्ट आ रहा है फ़ोटो थोड़ा सा डार्क लग रहा है स्लाइटली डार्क लग रहा है पर फिर भी डिटेल्स काफ़ी अच्छी है अभी यही सो को हम 200 की तरफ लेके जाते हैं इसके बीच में भी काफ़ी आपको आएंगे 125 भी आएगा 160 भी आएगा ये भी आएगा पर जो बेसिक कैमरास होते हैं जैसे कि जो आ, पचास हज़ार वाला जो कैमरा होता है तीस हज़ार वाला जो कैमरा होता है उसमें इतना सारा नहीं दिया गया रहता है वो सौ से सीधा डायरेक्ट दो सौ पर दो सौ से सीधा चार सौ पे आएगा ठीक है तो यही सारे फ़ीचर्स एक्स्ट्रा होते हैं अभी हम 200 पे कर रहे हैं सही फोटो आ रहा एकदम ही सही फोटो लग रहा है कि नहीं 200 पे है ना अभी 200 का 400 पे करेंगे चार सौ में जल गया फोटो है ना चार सौ का आठ सौ पे करते हैं और भी फोटो जल गया एकदम ही जल जल रहा है फोटो वैसे ही 800 सो का 1600 सौ सो पे खींचेंगे और भी जल गया 1600 सो को अभी हम लोग बत्तीस पे खींचेंगे और भी जल गया और 6400 जो लास्ट दिया गया रहता है कैमरा में यूजुअली और भी जल गया है ना जल रहा है फोटो अभी तो आई एस सबसे बेस्ट था तो मैं अभी आई एस रख देती हूँ तो ये सबसे बेस्ट कैमरा सेटिंग है अगर इसमें मैं अभी फ़ोटो खींचूँ तो एपेचर शटर आई एस तीनों हो गए अच्छे से सेट अभी मेरे को एक बात बताओ क्या आप इतना सारा हर फोटो के पीछे मेहनत करने वाले हो हर फोटो में ब्राइटनेस और डार्कनेस ये सब करने के लिए हर फ़ोटो में एपेचर ऐसे डिसाइड किया शटर ऐसे डिसाइड किया आयस वैसा डिसाइड किया ऐसा करोगे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं लाइट का डायरेक्शन शिफ्ट कर दूँ, अभी मैं लाइट का डायरेक्शन शिफ्ट कर रही हूँ लाइट कम कर रही हूँ या शिफ्ट कर रही हूँ देखिए, अभी लाइट कम हो गया है कम हो गया है ना लाइट काफी कम हो गया है मेरे पे भी कम ही लाइट दिख रहा है अभी देखते हैं अरे फोटो भी डायरेक्ट दिख रहा है ऐसे कैसे अभी तो हम लोग ने देखा था ना कि एक लाइट जब ऑन था तब फोटो सही दिख रहा था लाइट बंद किया तो अभी फोटो भी डायरेक्ट दिख रहा है लाइटिंग सिचुएशन ना यहाँ से यहाँ पर भी जाओगे तो भी चेंज हो जाएगा अगर आप यहाँ पे रहोगे तो भी लाइट सिचुएशन अलग रहेगा यहाँ पे रहोगे तो भी लाइट सिचुएशन अलग रहेगा क्योंकि यहाँ पे ब्राइट है ये हाई है ये शेडो एरिया है तो हर सिचुएशन के लिए आई एस ऐसे रहूँगा शटर ऐसे रुकूंगी एपिचर ऐसे करूंगा तो करते करते ना तो तुम काम ही नहीं कर पाओगे थक जाओगे और पक भी जाओगे तो इसके लिए और, और, और एक बात है जब आप ये तीनों चीज़ें खुद से सब कुछ सेट कर रहे हो क्या गारंटी है कि आपने जो कैमरा में देखा वही एग्जैक्टली exactly स्क्रीन में दिखता है काफ़ी बार ऐसा होगा जो आपने कैमरा में कैप्चर किया वो स्क्रीन में दिख ही नहीं रहा है वैसा वो ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है ज़्यादा डार्क दिख रहा है इसके लिए आपके कैमरा के अंदर एक ऑप्शन है सबसे पहले मैं लाइट ऑन कर दूँ एक सेकेंड सबसे पहले आपके जो कैमरा है उसके अंदर एक ऑप्शन है ठीक है ऑप्शन में यह है कि आपके यहाँ पे ना एक मीटर दिया गया है मीटर यह मीटर क्या काम करता है इसको हम लोग बोलते हैं मीटर रीडिंग कहते हैं जैसे कि कैमरा आपको खुद बोलता है कि भाई देख तेरा फोटो ब्राइट आ रहा है देख तेरा फोटो डार्क आ रहा है तू ना सही फ़ोटो खींच रहा है सोचो कैमरा का जो इंटेलिजेंस है और ये सारे कैमरा में होता है ठीक है कोई भी कैमरा में फ़ोन के कैमरा नहीं मैं डी की ही बात कर रही हूँ सारे कैमरा में वो सामने से कह रहा है कि यार देख तेरा फोटो बहुत ही ब्राइट है या फोटो तो बहुत ही डार्क है अभी उसका आप अनुमान कैसे लगाओगे okay, देखते देख लो यहाँ पे जो फोटो है अभी अगर मैं इसको मेरे ख्याल से कैमरा को मैं आगे ले लेती हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा एक सेकेंड अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कि आपका जो ये यह यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे एक छोटा सा मीटर है मीटर ये मीटर दिख रहा है इसको हम लोग मीटर बोलते हैं अगर आप देखोगे तो मीटर के नीचे हल्की सी डंडी है वो डंडी यहाँ से वहाँ हो रही है देखो 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 यहाँ पर जैसे ही मैं शटर का बटन आधा दबा रही हूँ ना यहाँ से वहाँ ये डंडी हो रही है देखो ये जो डंडी है ना वो आपको यह बता रहा है कि या तो आपका फोटो बहुत ही ब्राइट है या तो बहुत ही डार्क है मतलब देखो समझो मैं यही फूल का फोटो अगर ले रही हूँ यही फूल का अगर मैं फोटो ले रही हूँ तो अगर मैं यहाँ पे फोटो रखूँ यहाँ पे अगर मैं शटर बटन दबाऊँ तो देखो ये एकदम ही एग्जैक्ट पॉइंट पे दे रहा है मतलब देखो एक सेकेंड ना देखो मैं जैसे ही थोड़ा सा सिचुएशन चेंज कर रही हूँ अभी ये ब्राइट दिखा रहा है प्लस का साइन दिख रहा है प्लस प्लस थ्री प्लस थ्री है यहाँ पे वन टू प्लस थ्री मतलब ये ये फोटो ओवर एक्सपोज होगा और यहाँ पे फोटो अंडर एक्सपोज होगा ये माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री मतलब ये अंडर जा रहा है और यहाँ पे ओवर जा रहा है अगर डंडी यहाँ पे रहेगी तो वो अंडर जा रहा है देखो 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 आगे पीछे हो रहा है मतलब ये उतना अंडर जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो ये ब्राइट हो रहा है देखो ये ब्राइट हो रहा है प्लस में चला गया देखो प्लस में जा रहा है देखो डंडी ऊपर जा रही है हमको क्या चाहिए कि वो एग्जैक्ट पॉइंट पे दिखे मतलब पॉइंट पे एग्जैक्ट जब हम लोग यहाँ पे फोटो खींच रहे हो तो पॉइंट पे ये पॉइंट पे तो आ ही नहीं रहा है यहाँ से यहाँ डांस किए जा रहा है देखो मतलब ये दिखा रहा है कि भाई देख तेरा फोटो प्लस है मतलब ये तेरा इतना ब्राइट जाएगा या फिर इतना डार्क जाएगा इतना डार्क मतलब वो चार के ऊपर चला गया वो डंडी देखो हंट भी कर रहा है फोकस ठीक है डंडी आगे पीछे हो रही है इसका मतलब है आपकी डंडी जो है ना वो 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 एग्जैक्टली सेंटर में होनी चाहिए वो सेंटर में कैसे करोगे वो देखो अगर मैं यही सिचुएशन का बात करूँ तो डंडी कहाँ पर अभी यहाँ पर अभी यहीं पर यहीं मैं यहीं यही, यही पर रुक रही हूँ ठीक है अभी जो है मैं एपचर है वो बढ़ा रही हूँ देखो देखो डंडी भी हिल रही है वही सिचुएशन है मैंने कुछ नहीं किया है देखो देखो चलो और एक सिचुएशन देखो यहाँ पे है अभी मैं डंडी यहाँ से माँ लूँ ना मैं एपचर चेंज करूँ ना ये डंडी का भी चेंज हो रहा है देखो मैं सिचुएशन हिला दूँ वापस डंडी चेंज हो जाती है ये डंडी सेंटर में आ गई साइड में आ गई ऐसे आ गई ये डंडी के हिसाब से आप ये अनुमान लगा सकते हो कि ये फ़ोटो ब्राइट जा रहा है या डार्क अगर मैं यहीं से अगर एपचर सेट करूँ और कैप्चर करूँ वो एकदम ही राइट एक्सपोजर होगा देखो मैं अभी आपको दिखाती हूँ मैं अभी डंडी सेंटर में कर रही हूँ जिसके लिए मुझे शटर स्पीड भी ऊपर नीचे करनी पड़ रही है अभी मैंने शटर स्पीड कर दी है वन बाई सिक्स वन बाई फिफ्टी एकदम ही प्रॉपर ब्राइट फोटो आ रहा है शायद स्क्रीन में ब्राइट दिखे पर कैमरा ने ऐसा बोल दिया है कि देखो भाई तुम्हारा ये फोटो एकदम ही एग्जैक्ट एक एक सामने था क्योंकि तुमने जो है वो डंडी सेंटर में लेके फोटो खींचा था तो आप देख सकते हो कि डंडी के चेंज होने की वजह से आपको कितनी दिक्कत आ रही है हर फोटो के लिए आप इतना सारा चेंजेस करोगे पॉसिबल नहीं है आपके पास इतना सारा टाइम हो तो सही बात है पर यूजुअली फोटोग्राफी में इतना सारा टाइम लोगों के पास नहीं होता है पर फिर भी लोग अनुमान के हिसाब से मैन्यूअल मोड को सिलेक्ट करते करते ये फोटो खींचते रहते हैं अभी इसमें कभी कभी ब्राइट भी चला जाता है फ़ोटो डार्क भी चला जाता है और बोलते हैं ठीक है ना बाद में एडिटिंग में देख लूँगा या देख लूँगी मैन्यूअल मोड ना मैन्यूल मोड ना सबसे अच्छा ये इसमें खींचो क्योंकि ना इसमें ना बहुत अच्छा है क्यों है उसने मेरे को बोला था इसके लिए अच्छा है पर ना यही बात है आप इतना सारा कंट्रोल कर सकते हो अपने हिसाब से और देखो ये डंडी जो है ना वो जो इसको हम लोग मीटर बोलते हैं ठीक है फोर इसको जो है हम लोग मीटर बोलते हैं और ये जो मीटर है मीटर रीडिंग जो है हमारा वो एग्जैक्ट स्ट्रेट मतलब सामने तभी एग्जैक्ट वो टाइम पे तभी आएगा जब आप के वहाँ पे ना वाइट बैकग्राउंड कम है अगर मैं वाइट बैकग्राउंड पे अभी फोटो खींचूँ ना तो भी वो मुझे ओवर दिखाएगा मतलब वो डंडी ऊपर दिखाएगा और ऐसा लगेगा कि फोटो ब्राइट खींचा है पर एक्चुअली वो ब्राइट नहीं था वो फोटो खींचा बराबर था मतलब आर बराबर रहा है पर फिर भी वो प्लस में दिखाएगा मतलब ब्राइट में दिखाएगा क्यों क्योंकि वो डंडी का ना आप पूरा का पूरा उस पर निर्भर नहीं हो सकते हैं ठीक है ठीके? पर फिर भी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काफ़ी हद तक अपना काम कर देता है और आपको बोलता है कि देखो यार तुम ना या तो प्लस में जा रहे हो या तो माइनस में जा रहे हो और उसके हिसाब से तुम्हें शटर एपेच और आई एसो सारी तीनों चीज़ें सेट करनी है कितना मगजमारी का काम है इसके लिए आपके कैमरा के अंदर एवी मोड टी वी मोड पी मोड दिया गया है जो सेमी ऑटो मोड है सेमी ऑटो मोड का मतलब ये होता है कि कुछ चीज़ें आप अपने हिसाब से सेट करो और कुछ चीज़ें हम हमारे हिसाब से सेट करेंगे मतलब जो कैमरा है वो भी अपना जो ने, जो नीडल है ना जो बारी बारी हिल रहा था वो अभी सेम सामने वो सेंटर में ही रखेगा कुछ भी हो जाए तुम्हारा सिचुएशन घड़ी घड़ी बदलेगा और तुम्हारा जो वो मीटर है वो घड़ी घड़ी बदलेगा ना अब वैसा नहीं होगा सिचुएशन चेंज होगी तो जो मीटर है फिर भी वो सेंटर में ही रहेगा वो डंडी सेंटर में ही रहेगी और अब तुम्हारा जो शटर है या एपेचर है वो अपने आप डिसाइड होगा मतलब अभी क्या हो रहा था आपको दोनों तीनों चीजें सेट करनी है ना ऐसा नहीं है अभी आप दोनों चीजें अपने हिसाब से सेट करके रखो और बाकी की जो तीसरी चीज है वो अपने हिसाब से सेट होगी मतलब कैमरा अपने हिसाब से सेट करेगा और वो डंडी को हमेशा सेंटर पर ही रखेगा सबसे बेस्ट आइडिया है मैं यूजुअली वही करती हूँ अभी हम लोग ने एवी मोड पर रखा है मतलब एपे प्रायोरिटी मोड पर एपचर प्रायोरिटी मोड पे इसमें क्या हो रहा है ना कि देखो अपने आप ही शटर चेंज हो रहा है दिख रहा और जो नीडल है, है वो जो नीडल है वो हमेशा सेंटर में ही है देखो और शटर स्पीड अपने आप डिसाइड हो रहा है एपचर और आई हमने डिसाइड करके रखा है यहाँ पे अभी मैं कोई भी एंगल से फ़ोटो खींचूँ चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से या चाहे यहाँ से कोई भी सिचुएशन हो वो अपने आप ही राइट एक्सपोजर डिटेक्ट करके आपको अच्छा फोटो दे देगा ठीक है अब यही ए वी मोड को हम लोग अगर टीवी मोड पे करें तो क्या हो रहा है टीवी मोड देखिए टीवी मोड मतलब टीवी मोड एस मोड जो निकॉन में और सोनी में कहा जाता है जो आपका आईएस जो शटर स्पीड है वो आपको डिसाइड करना है मतलब देखो मैं शटर स्पीड चेंज कर रही हूँ और जो एपेचर है देखो ब्लिंक कर रहा है मतलब इतनी कम इतनी हाई शटर स्पीड पे आपका फ़ोटो ओवर एक्सपोज आएगा तो आपको जो है शटर स्पीड ऐसे रखना अभी भी वो ब्लिंक कर रहा है देखो अभी वो अपने आप सेट हो रहा है साठ के एपेचर में ये सेट हो रहा है आए सो आप डिसाइड कर सकते हो आई एस ओ अपने आप 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 डिसाइड कर सकते हो देखो आई एस ओ हिला सकते हो और जो शटर स्पीड है वो आपने सेट कर दी अब अपने आप ही होगा ठीक है तब तो देखते हैं चाहे मैं फ़ोटो यहाँ से खींचूँ चाहे मैं फ़ोटो यहाँ से खींचूँ या फिर यहाँ से खींचूँ तीनों का एक्सपोजर एकदम ही राइट है सेट है प्रॉपर है तो ये होता है टाइम वैल्यू मतलब शटर एस टीवी मोड प्रोग्राम मोड मतलब जो पी मोड है उसमें क्या हो रहा है उसमें जो है सब कुछ अपने आप डिसाइड हो रहा है सिर्फ आईएसओ आपके कंट्रोल में है ठीक है सब कुछ अपने आप डिसाइड सिर्फ आईएसओ आपके कंट्रोल में है सेम वही रिपीट होगा सब में एक्सपोजर सेम आएगा अभी मैं आपको एक सिंपल लॉजिक समझाती हूँ कि ये चीज़ें आपके कंट्रोल में आने से एक तो आपका एक्सपोजर जो राइट right एक्सपोजर है उसका टाइम भी बच रहा है ठीक है आपका टाइम बच रहा है ना ये सारी जो सेटिंग कर रहे हो उसमें साथ ही साथ आपका जो है जो भी आप फ़ोटो खींच रहे हो उसमें आपको जो इफ़ेक्ट डालनी है जो इफेक्ट आपको कैप्चर करनी है वो आपके कंट्रोल में आ जाएगा देखिए मैं समझाती हूँ अगर एपेचर होगा तो एपेचर अगर आप 1.8 पे कैप्चर करोगे तो क्या हो रहा है जो आपका जो एपेचर है अगर मैं 1.8 पे कैप्चर कर रही हूँ तो वही आपको ब्लर इफेक्ट जो डेप्थ ऑफ फील्ड है वो मिलेगा फोकस करना है और कैप्चर करना है थोड़ा सा फोटो ब्राइट लग रहा है तो मैं आएस पे लेके जा रही हूँ तो अभी क्या हो रहा है सब कुछ ब्लर हो रहा है सिर्फ वो फूल जहाँ पे मैंने फोकस किया था वो एकदम शार्प दिख रहा है एकदम ही सेंसिटिव फोकस है हिल गया तो फिर गया ठीक है सब कुछ ब्लर है बाकी वो एक जो चीज़ है वो शार्प है अभी वो 1.8 को वह एफ टू कर दूँ तो अब थोड़ा सा कम ब्लर दिखेगा और थोड़ा डार्क भी हो गया तो डार्क के लिए वापस मैंने आई एस ओ ऊपर कर दिया दो सौ कर दिया है क्योंकि मैंने एपचर बढ़ाया तो क्या हुआ आई एस ओ जो है वो हंड्रेड था तो अभी वो फ़ोटो डार्क दिख रहा था इसके लिए मैंने आई एस ओ बढ़ा दिया सौ का दो सौ कर दिया आई एस ओ और जो एपेचर था वो मैंने अभी बढ़ाया मतलब वन पॉइंट एट का टू पॉइंट एट किया है तो अभी आप देख सकते हो कि थोड़ा सा शार्प भी दिख रहा है फ़ोटो और जो आईएसओ है जिसकी वजह से हम लोग का जो फोटो है वो भी एकदम कंट्रोल में है मतलब एक्सपोजर भी खराब नहीं हुआ है अभी अगर मैं एफ़ टू पॉइंट एट का एफ़ फोर कर रही हूँ और आईएसओ जो है उसको भी मेरे को बदलना पड़ेगा एफ़ आईएसओ uh, 400 फोर हंड्रेड पर क्यों क्योंकि मैंने जो एक स्टॉप अगर मैंने एपेचर बढ़ाया है तो उतना लाइट कम एंटर होगा कैमरा में और जो आई है अभी वो उसको बैलेंस करेगा ठीक है इसको ही बोलते हैं कि आपको सब कुछ बैलेंस करके फोटोग्राफी करनी है वैसे ही अभी आपको ये ज़्यादा शार्प दिखेगा अगर मैं डायरेक्ट इसको एफ ट्वेंटी टू पर लेके जाओ और आई को सोलह सौ पे लेके जाओ तो देखते हैं अभी भी फोटो थोड़ा डार्क दिख रहा है तो मैं आठ हज़ार के छः हज़ार चार सौ के आई एस पे लेके जा रही हूँ अटता वक्त और जो एफ़ है वो एफ़ सिक्सटीन रखा है तो फोटो है वो सब कुछ शार्प दिख रहा है पीछे का बैकग्राउंड भी शार्प दिख रहा है सब कुछ एकदम ही शार्प दिख रहा है और आई जो है वो हम लोग ने छः हजार चार सौ यूज़ किया है अगर ये फ़ोटो को मैं मैं जूम इन करूँ तो आपको हल्का हल्का नॉइज़ दिखेगा जो ग्रेन ग्रेन है ना वो दिखना अभी शुरू हो जाएगा तो आपको मैं यही समझा रही हूँ कि हर चीज़ का एक इफेक्ट है ऑफ कोर्स इसको जो मैंने अभी समझाया है इसको और भी डिटेल में हम लोग जो हमारा कोर्स है उसमें समझाने वाले हैं जहाँ पर एक एक चीज़ को अभी भी और भी डिटेल डिटेल में आप जाओगे और प्रैक्टिकली और भी देखोगे पर फिर भी ये ये लेक्चर में आपको ये मैं यही समझाना चाहती हूँ कि हर इसका एक इफेक्ट दिया गया है अगर एपेचर है तो वो पीछे बैकग्राउंड ब्लर करेगा जो शटर स्पीड है वो एकदम टाइम फ्रेम जो कोई फ्रीज करना है कोई स्पॉट फोटोग्राफी करनी है उसको फ्रीज करने में मदद करेगा जो आई है वो क्या करेगा उसका जो आ, आ, अगर कोई भी कुछ भी ना मिले तो उसका एक्सपोजर जो है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है पर अगर बहुत आयस बढ़ा दिया तो नॉइजी फोटो आता है ठीक है तो ये पूरा सेटिंग है आपके एक्सपोजर का अभी हम बात करेंगे कलर्स का कलर्स का तो एकदम ही सिंपल है अगर आपने हमारा कैलविन का वीडियो और वाइट बैलेंस का यूट्यूब पे वीडियो देखा होगा तो आपको उसकी थियोरी पता होगी ठीक है पर अभी हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे करना है जब मैं बात करूँ एक्सपोजर की तो आपको समझ में आ गया कि है कि ये एक्सपोजर है ठीक है अभी इसके बाद हम ये समझेंगे कि आप कलर्स को कैसे सेट कर सकते हो मैंने आपको पहले ही बताया था कि पहले आता है ब्राइटनेस जो ब्राइट फोटो है उसका और दूसरा आता है कलर्स जो कलर्स होते हैं उसको आप कैसे सेट करोगे ये जो फूल की डंडी है ना वो ग्रीन दिखनी चाहिए और इसका जो हर जो थोड़ा सा लाइट ग्रीन है वो लाइट ग्रीन दिखना चाहिए पिंक है तो पिंक दिखना चाहिए और जो वाइट कलर का फूल है वो फूल दिखना चाहिए अभी ये वाइट कलर का पॉट भी एकदम ही वाइट ही दिखना चाहिए ये ही एक मगजमारी का काम है कि सारे कलर्स जैसे दिख रहे हैं वैसे आपके कैमरा में कैप्चर होने चाहिए जिसके लिए लोग ज़्यादा पैसा भी खर्चते हैं क्योंकि उनको चाहिए कि उनके कैमरा का जो कलर्स है वो ज़्यादा अच्छे दिखे वाइब्रेंट दिखे या कलर बदल जाए उस ये इंटेंशन कोई भी प्रोफेशनल फोटोग्राफर का नहीं होता है ये एमेच्योर लोग अपने फ़ोन से करते हैं पर अगर आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हो तो आपकी कंट्रोल में आपको सब कुछ चाहिए जिसके लिए आपको जो है आपका जो वाइट बैलेंस है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा इसकी थियोरी कि वाइट बैलेंस क्या है कैसे उसको कै कैलविन बोला जाता है जो कलर टेम्परेचर है तो उसको क्या बोला जाता है उसके दो वीडियोज़ हम लोग ने ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड किए हैं वो प्लीज़ देख लीजिएगा अभी के लिए मैं अगर आपको आसान भाषा में समझाऊं, प्रैक्टिकली समझाऊं कि ये सब क्या होता है तो यही है कि देखिए अभी जो ये रूम में जो कलर्स है उस कलर को हम लोग अगर वातावरण का नाम दे दे अगर अगर बहुत ही ठंड है ठीक है तो ठंडी में हम क्या बोलेंगे कि दस डिग्री है छः डिग्री ठंड है है ना वैसे ही अगर हम लोग गर्मी का मौसम आ जाए तो हम लोग बोलते हैं कि 45 डिग्री है मतलब पैंसठ डिग्री ठंड गर्मी हो गई है 50 डिग्री गर्मी है या पिस्तालीस पे, डिग्री गर्मी है ऐसा हम लोग बोल देते हैं ठीक है फोर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस से ऐसा सब बोल देते हैं वैसे ही जो आपका कलर्स होता है ना उसके भी एक टेम्परेचर होता है टेम्परेचर का मतलब होता है कि वो जो कलर्स है वो बहुत ही ब्लू या येल्लो ऐसा नहीं दिखना चाहिए वो एकदम ही राइट कलर होना चाहिए आपके जो कलर्स होते हैं उसका जो वेरिएशन होता है जो भी आप देखते हो कि यार ये फोटो ना मेरे को बहुत ही रेड दिख रहा है ये फ़ोटो मेरे को बहुत ज़्यादा ग्रीन दिख रहा है ये ग्रीन या रेड नहीं दिख रहा है ये एक्चुअली जो ये कलर व्हील है जो ब्लू से येलो के बीच में आ रही है उसका पूरा सेटिंग है और ये ब्लू से येल्लो के बीच में जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं कलर टेम्परेचर तो अब ये कलर टेम्परेचर की हम बात करेंगे अभी अगर मैं आपके कैमरा जो स्टार्टिंग होगा वो कैलविन कलर टेम्परेचर कोलविन बोलते हैं उसको कैलविन का नाम दिया गया है के का नाम दिया गया है मैं अभी भी बोल रही हूँ इसका एकदम डिटेल वीडियो मैंने बनाया है प्लीज चेकआउट कर लीजिएगा अभी अगर मैं कैलविन पे जाऊँ सबसे कम कैलविन मुझे यहाँ पे मिल रहा है दो का कैलविन कोई कोई कैमरा जो बेसिक एंट्री लेवल कैमरा होता है मतलब पचास हजार वाला जो कैमरा वगैरह रहता है उसमें कैलविन का ऑप्शन ही नहीं है पर हर प्रीसेट मतलब हर वाइट बैलेंस का जो प्रीसेट ऑलरेडी दिया गया है उसके ऊपर कैलविन लिखा हो गया रहेगा कि ये अप्रोक्सिमेटली कितना कैल्विन है तो अगर आप कैलविन खुद से सेट नहीं कर सकते हो पर ये जो अप्रोक्सीमेट कैलविन दिए गए हैं उसको यूटिलाइज करके फोटोग्राफी कर सकते हो ठीक है अभी मैं अभी मैं डिटेल में कैलविन समझा दू उसके बाद मैं आपको प्रीसेट भी दिखा देती हूँ आसान गिरेगा ज्यादा अभी मैं 2500 पे ये फोटो खींच रही हूँ 2500 का कैलविन में ये फोटो अब दिख रहा है एकदम ब्लू जो पिंक है ना वो भी एकदम ही पिंक नहीं दिख रहा है थोड़ी सी हल्की सी मजंटा ब्लू हो गई है और जो ग्रीन है ना वो एकदम ही डार्क ग्रीन जैसा दिख रहा है एकदम ही जो ब्राइट ग्रीन कलर है अभी इसका वैसा वो नहीं दिख रहा है तो इसके लिए अभी हम लोग दो के बदले अगर हम लोग तीन ले लें तो अभी वो एकदम थोड़ा ब्लू से कम ब्लू हो गया है मतलब जो कलर्स है अभी थोड़ है, मतलब brown, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे मतलब ब्राउन थोड़ा ब्राउन दिख रहा है ब्लू थोड़ा कम होने के वजह से आप जो ग्रीन है जो पत्तियां हैं वो भी अच्छे से देख पा रहे हो साथ ही साथ जो ब्लू कलर की जो पिंक कलर की फूल है उसकी जो वाइट कलर है पिंक के ऊपर जो वाइट कलर का ये जो चीज़ है ना ये भी आप सही से देख पा रहे हो ये वाला अब ये दो का हम लोग करेंगे चार अभी क्या हो रहा है कि अभी सारे कलर्स अच्छे लग रहे हैं मतलब जो ग्रीन है वो ग्रीन भी अच्छे से दिख रहा है जो कलर्स है वो सही लग रहे हैं मतलब काफ़ी हद तक सही लग रहा है ना मैं अगर पाँच हज़ार पर ले चली जाऊँ ये अभी थोड़ा येलोइश लग रहा है थोड़ा वार्म वार्म लग रहा है देखो पहले से ज़्यादा ये पत्तियाँ अभी थोड़ी और ब्राइट मतलब और भी हरीली हो गई जो आ, नीचे का जो डेस्क है जो ब्राउन कलर का अभी वो भी थोड़ा वॉर्म हो गया जो फूल है अभी वो थोड़े से लाल लाल जैसे दिख रहे हैं है ना अभी यही कैलविन को 6500 हज़ार सौ पे अगर मैं लेके जाऊं वॉम वॉम नहीं लग रहा पत्तियाँ एकदम ही ग्रीन ग्रीन पत्तियाँ हो गई एकदम जो लाल फूल थे एकदम लाली लाली फूल हो गए हैं जो नीचे का डेस्क है अभी वो भी एकदम ही वॉमिश लग रहा है तो अभी आप देख रहे हो कि छः का जो कैलविन था उसको मैंने 7500 का कैलविन लिया है तो अब ये जो फ़ोटो है वो एकदम ही येल्लो हो गया जो डेस्क था वो भी येल्लो लग रहा है अगर मैं ज़ूम करूँ तो जो पत्तियाँ हैं वो भी एकदम लाल लाल लग रही है मतलब थोड़ी सी ग्रीन और जो ब्राउनिश है वैसा टोन आ चुका है जो फूल थे वो भी एकदम लाल लाल लग रहे हैं है ना अब ये सात हज़ार पाँच सौ का अगर मैं आठ हज़ार पाँच सौ कर दूँ एकदम और येलो का पहले के कंपैरिजन में ये भी और भी येल्लो होता ही जा रहा है सारी चीज़ें येल्लो हो गई है अब इसमें अगर अब मैक्सिमम में दस हज़ार है दस हज़ार के ऊपर कुछ भी नहीं है इसमें दस हज़ार के कैलविन पे अगर मैं जाऊँ तो एकदम ही वाम वाम वार्म लग रहा है आपको सारा फोटो आपको अगर ऐसा कोई इफेक्ट चाहिए जहाँ पे आपको येल्लो स्टोन दिखाना है तो आप कैलविन बढ़ाओ ऊपर चले जाओ अगर आपको ऐसा कोई सिचुएशन है जहाँ पर आपको ब्लूइश दिखाना है तो आप नीचे चले जाओ जैसा आपको मूड क्रिएट करना है उसके हिसाब से पर अगर आपको एग्जैक्ट कलर्स चाहिए तो आपको ये देखना है कि आपके जो सारे कलर्स हैं इसमें जो अभी आपको आँखों से दिख रहे हैं वो एकदम सही से कैप्चर कैसे हो सके देखिए अभी इसके लिए भी एक है जैसे कि मैंने अभी आपको मीटरिंग मोड बोला था उसके बदले आता है कि आप जो है कस्टम वाइट बैलेंस मतलब ये सिचुएशन के हिसाब से कस्टमाइज एक वाइट बैलेंस कर सकते हो पर अभी वो अगर मैं अभी यहाँ पे अभी समझाने बैठी तो वो एक दो चार घंटे का और एक लेक्चर है पर फिर भी आप कस्टम वाइट बैलेंस जो होता है उसके वजह से आपको ये समझना नहीं होता है कि ये करूँ या वो करूँ ट्रायल एंड एरर करने की ज़रूरत नहीं है एग्जैक्टली exactly आपको वही कलर्स दिखा देगा अभी और एक बात कि आपने कलर्स की बात समझी साथ ही साथ मैं आपको ये भी समझा दूँ अगर आपके कैमरा के अंदर कैलविन का ऑप्शन नहीं है तो इसके अंदर जो ऑप्शन है ऑलरेडी जो प्रीसेट्स दिए गए हैं इसमें ऑटो वाइड बैलेंस मतलब वो अपने हिसाब से ही करेक्ट कर देता है उसमें अपने कोई भी आपको कैलविन का आइडिया नहीं दे रहा है ऑटो मतलब सब कुछ ऑटो कैमरा अपने हिसाब से करेगा वो चाहिए वैसा करेगा आपकी कोई इफेक्ट या क्रिएटिविटी इसमें शामिल नहीं है कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो ऑटो का बात बराबर है पर अगर समझ में नहीं आ रहा है इसीलिए हम लोग यहाँ पे अभी समझने बैठे हैं ठीक है ठीके? अभी यहाँ पे ऑटो वाइड बैलेंस के बाद आता है कैलविन डे लाइट डे लाइट के ऊपर लिखा गया है अप्रोक्स फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड कैलविन तो ये अप्रॉक्स 5200 मतलब वो उसके आसपास का कैलविन रहेगा अगर उसके आगे जाओगे तो शेड आएगा जिसमें 7000 हज़ार लिखा गया है नीचे अगर आप देखोगे क्लाउडी के नीचे 6000 हज़ार लिखा गया है टंगस्टन के नीचे 3200 का कैलविन लिखा गया है वाइट फ्लोरस लाइट के नीचे 4000 का कैलविन लिखा गया है फ्लैश के नीचे कुछ भी नहीं लिखा गया है वो आपका बिल्टिन फ्लैश या आपकी जो फ्लैश यूज़ करते हो उसके लिए है उसके बाद आता है कस्टम वाइड बैलेंस जहाँ पे आप कस्टमाइज पूरा जो है आपका कैमरा का सेटिंग करते हो फिर मैंने आपको कैलविन समझाया वो आता है तो अगर आपके पास कैलविन का ऑप्शन नहीं है तो बाकी के सारे ऑप्शन के साथ भी आप सही से अप्रॉक्सीमेट जो है आपके कलर्स अच्छे से सेट से कर सकते हो ये हो गया कलर्स काफ़ी लोग मुझे यही क्वेश्चन करेंगे कि ये आपने कैनन का बताया कैनन का बताया और भी कोई कैमरा का बताओ अभी एक सेकेंड रुकी अगर मैं बात करूं निकॉन का तो निकॉन में भी सेम चीज़ें हैं आप कैनन का बात करो सिर्फ नाम बदल दिए हैं आप कंफ्यूज मत हो जाओ नाम को लेकर सिर्फ नाम बदल अभी यहाँ पे लिखा है ए मोड़ एम मोड तो यहाँ पे भी लिखा है एम मोड यहाँ पे ए भी लिखा है तो यहाँ पे ए लिखा गया है बस इतना ही फ़र्क है और ना मैं आपको ये भी बात समझा दूँ कि कोई भी कैमरा मॉडल ले लो टू हंड्रेड डी जो नया आया है, है या एम एक्स एम फिफ्टी जो नया आया है, है कोई भी ले लो आप अगर कैमरा हाथ में लोगे जो एक सेटिंग्स है वो यही है सिर्फ नाम चेंज किए गए हैं और उसके अंदर जो बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है वो तो ऑफ़कोर्स आप भी समझते हो कि एक घंटे में मैं सब कुछ नहीं समझा सकती हूँ इसी लिए मैंने दो महीने का कोर्स लॉन्च किया ये जो दो महीने का कोर्स है उसमें डिटेल में एक एक, -एक, -एक चीज़ समझाई जाती है और कैसे उसको सेटिंग करना है वो समझाया जाता है और उसका क्या कारण है और एकदम एडवांस लेवल जो प्रो लेवल है उस पर हम लोग चले जाते हैं बेसिक से एडवांस तक डिटेल में और साथ ही साथ देखो अभी आप मेरे को क्वेश्चन पूछोगे मैं आपको आंसर दूंगी पर मैं आपका काम रिव्यू नहीं कर पाती हूँ मतलब तो क्या फ़ोटो खींचा वो मुझे नहीं पता आप अटके तो आप लटके मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ कि आप जो फोटो खींचोगे वो मैं देखूँगी आपको बताऊँगी आप ऐसा नहीं ऐसा करो ऐसा नहीं वैसा करो ये मेन रहता है ना कि मैं आपको रिव्यू तो दूं कि क्या कर रहे हो ऐसे ही तो लर्निंग होगी कहीं पे अटकोगे तो मेरे को समझाना तो पड़ेगा ना कि आप यहाँ पे गलत जा रहे हो ये कारण है कि हम लोगों ने ये दो महीने का कोर्स लॉन्च किया है जिसकी फ़ी काफ़ी नॉमिनल रखी है क्योंकि मैं जानती हूँ कि, कि सबको सभी लोगों को ये क्लासेस अफोर्डेबल हो जाए जो गाँव में रहते हैं या जिनके पास जो है इतनी सारी आमदनी नहीं है कि वो फोटोग्राफ़र को मतलब ये पूरा कोर्स वगैरह कर सके देखने जाए तो ऐसे ही कोर्स लाखों में बिकते हैं मार्केट में पर फिर भी हम लोग ने ये नॉमिनल फी रखा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पहुँचे काफ़ी लोग बोलते हैं आप फ्री में सिखा दो देखो ये है कि फ्री में सिखा नहीं सकते हैं क्योंकि हमको भी बहुत सारा कॉस्टिंग बढ़ रहा है मतलब जो भी है हमको अगर जो एडिटर है वो एडिटर काम करेंगे जो पूरा जो काम हम लोग को करना है ये सारा काम बढ़ जाता है जिसकी वजह से उनको जो फी देनी होती है बस वही चार्जेस आपके पास से लिए जाते हैं ऐसा भी नहीं कि हम बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं इसमें से और यही है कि आप अगर मैं कैमरा सेटिंग्स की अभी के लिए बात करूं तो यही पूरा कारण है कि जो अगर आप निकॉन या सोनी कोई भी कैमरा ले लो अभी जो तो शूट हो रहा है वो पूरा सोनी के कैमरा से हो रहा है तो जो भी कैमराज है वो सब में हम लोग यही सारा चेंजेस कर रहे हैं सिर्फ नाम चेंज हो रहा है और आपको जो है फ़ोटोग्राफ्स खींचनी है आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो काफ़ी मेहनत से और काफ़ी दिमाग लगा लगा के कैसे कि कैसे एकदम प्रैक्टिकली आपको दिखाए क्या कि आपको ऐसा लगे ही ना कि आप हमारे साथ नहीं हो एकदम आमने सामने लगे उसकी पूरी ट्राई की है फिर भी आपके जो सजेशन्स हो इसके लिए वो वेलकम है प्लीज़ हमको सजेस्ट करें कि और भी कितना पास से और, और भी कितना प्रैक्टिकली हम आपको दिखा सके उसके लिए एंड अभी वो कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछिएगा कॉमेंट सेक्शन भी खाली है और जूम अगर आप जूम पे हो तो लाइव सेशन तो अभी चालू होने ही वाला है तो फिर आगे बढ़ते हैं तो आई होप कि आपको ये पूरा ये सेशन था काफी हद तक मैंने सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रखा था सेल्फ एक्सप्लेनेटरी का मतलब है आपको खुद को समझ में आ गया कि यू you नो know, ये ऐसे क्वेश्चन uh, किया गया है या ऐसे उसको रखा गया है इसलिए ये सब चीजें किया गया है पर आई नो फिर भी आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस है मैं देख रही हूँ कि काफ़ी लोग ना कमेंट सेक्शन में लिख भी रहे हैं ये क्वेश्चन है यहाँ पर है कोई बात नहीं आपके सारे क्वेश्चंस ले लेंगे अभी भी मैं बोल रही हूँ यहाँ पे हम लोग ने जूम पे सिर्फ सौ जन को रखा था और हज़ार जन को नहीं रखा था क्योंकि मुझे पता था कि हज़ार जन को हम लोग नहीं ले पाएंगे हज़ार जन के हज़ार क्वेश्चन तो पूरा दिन ही चला जाएगा राइट इसलिए हम ने लिमिट सिर्फ सौ जन के लिए रखा था और यूट्यूब पे तो काफ़ी लोग कनेक्ट कर ही रहे हैं तो आपके जो है आपके जो क्वेश्चन है उसको भी हम लोग अभी थोड़ी देर में स्टार्ट करेंगे अटेंड करना अगर कुछ रह जाए प्लीज बुरा मत मानेगा आई एम रियली सॉरी अबाउट इट आप प्लीज उस क्वेश्चन को हम लोग याद रखेंगे आपका उसको आंसर हम लोग दे देंगे आप इस नंबर पर उसका क्वेश्चन डाल सकते हो कोई बात नहीं हम उसको आंसर दे देंगे ठीक है एंड लेट्स गेट विथ द क्यू एन ए